हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ईएमआरएस का पेपर लेकर के आया हूं। तो मैंने आपको बोला था कि वन बाय वन करके हम आपका जितनी भी पेपर होती हैं म्यूजिक के, उन सभी को हम सोल्व करवाएंगे। तो आज आपका ईएमआरएस का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। 25-25 क्वेश्चन करके पूरा का पूरा मैं आपको 3 सेट में लेकर के आने वाला हूँ। आपको पता है ईएमआरएस में आपका 80 नंबर का जो बड़ा वाला पोर्शन रहता है, उसमें से 5 नंबर आपके एनईपी के रहते हैं और 75 नंबर आपके संगीत के रहते हैं। तो इन 75 नंबरों को हम आपका 3 पार्ट में लेकर के चल रहे हैं। 25-25 का आज आपका पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसी प्रकार से हम आपका आने वाले समय में उनको भी सेकंड और थर्ड पार्ट के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सेम आपका जो पेपर पूछा गया है ईएमआरएस में, उसी पर हम आपका लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। जल्द आपकी ईएमआरएस की भर्ती आने वाली है, तो आपको हर पेपर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में संगीत का वर्णन मिलता है। देखिए, नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, ये सबसे पहले आपको जान लेना है, आपका आचार्य भरत मुनि, ठीक है। इसमें आपका 5वां, 3रा, 21वां और 28वां। तो यहां से आपका, आपको पता है 28 से लेकर के आपका 33, यानी कि 6 अध्याय में संगीत की जानकारी मिलती है। कितना अध्याय में मिलती है आपका, तो 6 अध्याय में संगीत की जानकारी मिलती है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, यानी कि 28, 29, 30, 31, 32 और 33, इन 6 अध्याय में आपका संगीत से संबंधित है। बाकी आपके जितनी भी अध्याय, देखिए आपको नाम से पता लग रहा होगा नाट्य, यानी कि आपका जो नाट्य शास्त्र है इसमें नृत्य के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, नाट्य के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। इसे आपका, इसलिए इसको आपका नाट्य वेद, यहां से इसका अन्य नाम भी निकल के आता है नाट्य वेद, या फिर इसी को आपका पंचम वेद भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, पंचम वेद कहते हैं और इसको आपका नाट्य वेद भी कहते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहां से बनेगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र में आपका कुल, अगर अध्याय आपसे पूछा जाए, अगर कुल अध्याय की चर्चा करते हैं अपन, तो कुल आपका 36 अध्याय है, ठीक है। कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल आपके 36 अध्याय इस प्रकार से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। जब आपका नाट्य शास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा, उस समय पर जाति गायन प्रचलन में था। जिस प्रकार से आज आप राग गायन करते हैं, सेम उसी प्रकार से प्राचीन काल में आपका भरत जी के समय पर जाति गायन का प्रचलन था। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चतुर्दंडी प्रकाश का किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ग्रंथ है, सभी प्यारे साथी कमेंट कीजिएगा, चतुर्दंडी प्रकाश का ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये आपका लिखा गया है व्यंकटमुखी के द्वारा। किसके द्वारा, व्यंकटमुखी के द्वारा आपका चतुर्दंडी प्रकाश का ग्रंथ लिखा गया है। ये हमारे इसमें आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपका जो चतुर्दंडी प्रकाश का है, ये आपका दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। किसका, आपका दक्षिण भारत का, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आपका व्यंकटमुखी ने 72 थाट दिए थे, ठीक है। 72 थाटों का आपका कॉन्सेप्ट दिया था गणित के आधार पर, उनमें से आपका 19 थाट प्रचलन में है। प्रचलन में आपका कितना है, तो 19 थाट प्रचलन में है, उनमें से 19 थाट से आपका 55 राग वहां पर निकाले गए। जिस प्रकार से आपका उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में, यानी कि आपका हमारे यहाँ उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में आपके 10 थाटों का प्रचलन है, उसी प्रकार से आपका कर्नाटक संगीत पद्धति के हैं या दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में 19 थाटों का प्रचलन है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, सप्तक के प्रकार कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विलंबित, मध्य, द्रुत, उदात, अनुदात, स्वरित, वादी, संवादी, अनुवादी, मंद्र, मध्य, उत्तार। यहां से आपको बताना है सप्तक के प्रकार कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, विलंबित, मध्य, द्रुत, क्या है आपका, तो यह लय, लय के प्रकार है, ठीक है। उदात, अनुदात और श्रुति क्या है, तो ये आपका स्वर है, ये आपका जो सामगान होता था, सामगान के समय के स्वर है, ठीक है, सामगान के स्वर है। वादी, अनुवादी और विवादी, ये क्या है आपका, तो आपको पता है आपके यह स्वर के प्रकार है, ठीक है, ये स्वर के प्रकार है, स्वर के प्रकार है, ये आपका स्वर के, यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। और आपका जो सप्तक है, मंद्र, मध्य, तार, आपका यहाँ पर ये सप्तक के हैं, ठीक है। तो आपका मंद्र सप्तक है, मध्य सप्तक और तार सप्तक है,
मंद्र सप्तक का मतलब होता है आपका नीचा स्वर। क्या होता है इसका मतलब? तो नीचा स्वर, मध्य, आपसे नाम से पता लग रहा है, मध्य सप्तक, ठीक है। और आपका तार सप्तक का मतलब होता है ऊंचा स्वर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह तीन प्रकार का होता है, सप्तक, मंद्र, मध्य, तार। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है वाद्य वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं। वाद्य वर्गीकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यह आपसे पूछा गया है, चार, तीन, पांच या छह। देखिए वाद्य वर्गीकरण को आपका चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो मेजर मत है वो आपका चार प्रकार से है। तो चार कौन कौन सा आपका रहने वाला है, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा तत्वाद्य, ठीक है, घनवाद्य, सुषिरवाद्य और आपका अवनद्ध। ये आपका चार प्रकार के, चार प्रकार का आपका वाद्य है। इसे आपका चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण कहते हैं, चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण। क्लियर। तो ये आपका क्या है, चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण है। अब देखिए यहां से आपका ये सभी ने माना है, आपका भरत जी के अनुसार यही है, आपका सारंगदेव जी ने भी आपका यही माना है, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है नारद जी का। क्या नारद? तो नारद जी ने आपका पांच प्रकार का वाद्य माना है, ठीक है। अब ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन आपका सिंपल ना पूछ कर, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट के साथ घुमा करके पूछा जा रहा है, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, रेला किस सांगीतिक वाद्य से संबंध रखता है, बताइएगा। आपका रेला किस सांगीतिक वाद्य का है, सितार का है, बांसुरी का है, तबला एवं पखावज। तो देखिए आपका रेला, लग्गी, लड़ी, ये आपका किसके हैं ज्यादातर, ये आपके रेला आपका तबला के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लग्गी लड़ी आपका तालों में ज्यादा यूज होता है, तो आप वो भी आप इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ठीक है। तो रेला आपका तबला के लिए प्रयोग होने वाला सांगीतिक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस सन में पैदा हुए थे, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो हुआ, तानसेन जी हुए, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बताइएगा अमीर खुसरो किस सन में पैदा हुए थे, 1534, 1234, 1634 या फिर आपका 1134, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको ऑप्शन किस प्रकार से दिए, 3434 आपको लास्ट में मिल रहा है और वहीं पर आप कन्फ्यूज होते हैं, 1234, 1534 और 34 ही आपको दिया हुआ है, बट आपको यहाँ पर लगाना है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी, ठीक है। 1234 में अमीर खुसरो जी का जन्म होता है, ठीक है, आपका एटा यूपी में होता है। क्लियर। नेक्स्ट, राग मुल्तानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का राग है। अब राग मुल्तानी को आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का वाद्य है, और सॉरी किस प्रकार का राग है राग मुल्तानी, परमेल प्रवेशक, ऋतु परक राग, औडव औडव, प्रातःकालीन राग। देखिए राग मुल्तानी हुआ आपका, जय जय बंती हुआ, ये किस प्रकार के राग है, तो ये आपका परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक का मतलब होता है परमेल, देखिए नाम से पता लग रहा है आपको, परमेल प्रवेशक, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, मैंने आपको कई एक बार बता दिया है, मेल का मतलब होता है आपका थाट, प्रवेशक का मतलब होता है प्रवेश कराने वाला, ठीक है, प्रवेश कराने वाला, यानी कि दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग आपका परमेल प्रवेशक राग कहलाता है। तो मुल्तानी, जय जयवंती, ये आपका क्या है, परमेल प्रवेशक राग है। क्लियर। नेक्स्ट, विषय जोड़िए आपको बताना है, इनमें से विषय जोड़े को चुनिएगा, आपको विषय आधार पर जोड़ा चुनना है। जत ताल, तीन ताल, दीपचंदी, झूमरा, पंचम सवारी, गजंपा, रूपक और झपताल, आपको विषय, विषय नहीं होगा, विषम हो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, विषम, विषम जोड़े को चुनना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनमें से विषम क्या है, विषम जोड़े को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चीजों को आपका लेके चलें, समझेंगे तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ से आपका रूपक और जपताल, रूपक में आपका, रूपक में आपकी मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आपका सात मात्रा है, ठीक है। जपताल में अगर मात्राओं की बात करते हैं तो आपका दस मात्रा यहाँ पर निकल के आता है, तो यहाँ से आपका दस मात्रा और सात मात्रा, ये आपका विषम है। अगर पंचम सवारी गजंपा की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर पंद्रह पंद्रह मात्रा है। क्लियर।
अगर दीपचंदी झूमरा की बात करते हैं तो आपका 14-14 मात्रा है, तीन ताल और जत्ताल की बात करते हैं तो 16-16 मात्रा है, लेकिन आपका जो रूपक और झपताल है ये आपका विषम है, क्योंकि इसमें आपका रूपक में 7 होता है और झपताल में आपको पता है 10 मात्रा होता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो रूपक में आपका 3 विभाग होता है, अगर विभाग की बात करें, ठीक है, और झपताल में आपका 4 विभाग होता है, तो यहाँ से भी आपका विषमता आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट, गान के कितने भेद हैं? सभी प्यारे साथी बताइएगा, गान के कितने भेद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गान आपका 2, 4, 3 या 5, तो गान के कितने भेद हैं? गान के आपके 2 भेद हैं। क्लियर। गान के 2 भेद हैं। देखिए, 2 प्रकार से आपका गान चलता है। एक देखिए आपका गांधर्व और गान, गांधर्व गान, या फिर आपका इसी को गांधर्व को आपका मार्गी भी बोलते हैं, गानों को आपका देशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मार्गी होता है ये आपका मोक्ष प्राप्ति का संगीत होता है। क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का संगीत होता है। जो देशी संगीत होता है यह मनोरंजन का संगीत होता है, ठीक है, यह मनोरंजन का संगीत होता है। तो इस प्रकार से आपका 2 प्रकार से आपका गान रहता है, मार्गी, गांधर्व और गान, ठीक है। गांधर्व का परिवर्तित रूप आपका मार्गी है, गान का परिवर्तित रूप आपका देशी संगीत है। जो आपका मार्गी संगीत और देशी संगीत आप पढ़ते हैं वो आपका यहाँ से निकल के आया है। क्लियर। चलेगा। नेक्स्ट, किस ताल में खाली नहीं है? अब आपको यहाँ पर बताना है खाली किस ताल में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ताल, झप ताल, तीव्र ताल, तीन ताल। देखिए यहाँ से आपका एक ताल है, एक ताल में अगर मात्राओं की अगर अपन बात करें तो इसमें आपका 12 मात्रा होता है। क्लियर। 6 विभाग होता है। सभी प्यारे साथी बताना, 12 मात्रा, 6 विभाग होता है। अगर खाली की बात करते हैं तो खाली आपका 2 मात्रा पर होता है, 3 और 7 पर, और ताली आपका 4 मात्रा पर होता है। इस प्रकार से जब ताल की बात करें तो भी मैंने आपको बता दिया 10 मात्रा होता है, 4 विभाग होता है, ठीक है, आपका 6वीं मात्रा पर खाली होता है, यानी कि आपका खाली 1 मात्रा पर होता है। तीव्र ताल में आपका खाली नहीं होता है। तीन ताल आपका 16 मात्रा का है, ठीक है, 4 विभाग होता है इसमें, 9 पर आपका खाली होता है, तो इसमें भी खाली होता है। आपका तीव्र ताल है, 7 मात्रा की ताल है, इसमें आपका खाली नहीं होता है, 3 इसमें विभाग होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, राग देसी की पकड़ को पहचानेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको राग देसी की पकड़ यहां पर पहचाननी है। राग देसी की क्या पकड़ आपकी रहने वाली है? अब देखिए, राग देसी की पकड़ को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सभी प्यारे साथी यहां पर कमेंट करना। देखिए, राग देसी की पकड़ क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, भग रेगा सारे निशा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अपन चीजों को समझेंगे। आपका जो राग देसी है, क्या है? देसी राग, या किस थाट से है? तो ये आपका आशावरी थाट से, आशावरी। अब आपको पता है आशावरी थाट में क्या लगता है आपका? ग ध नि कोमल, ये आपका ग ध नि कोमल होता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट में आप यही देखेंगे, ग कोमल और नि कोमल, ठीक है। अब देखिए आपका ग नि कोमल आपका किस में लगता है? आपका देसी। बस आपको यहाँ से देखिए मध्यम इसमें तीव्र नहीं लगेगा, ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, मध्यम तीव्र नहीं लगेगा। यहाँ से आपका देहवत तो कोमल है लेकिन निषाद कोमल नहीं है, यहाँ से ये भी आपको गलत होगा। बस अगर आपको देसी थाट का, देसी राग का अगर थाट पता होता तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर पाएंगे। और आपको देखिए राग की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तो आपको पकड़, अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं राग के प्रचलन का, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी से आप उसको पहचान सकते हैं, उसकी पकड़। क्लियर। तो ये भी आपके लिए जरूरी रहने वाला है। नेक्स्ट, इनमें से किस राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग में होता है? बताइएगा, परज, बहार, देसी, बसंत। अब देखिए यहां से आपको पता होना चाहिए शुद्ध मध्यम का प्रयोग, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग के साथ किस राग में होता है? सभी कमेंट कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? देखिए, शुद्ध मध्यम का ललित अंग में प्रयोग आपका बसंत के साथ होता है। अब देखिए जो बसंत है आपका, थोड़ा सा पहले अपन समझें, बसंत आपका किसका है? तो
तो पूर्वी थाट का रहने वाला है। ठीक है, पूर्वी थाट के बारे में तो आपको पता ही होगा, पूर्वी में क्या होता है, रेधा कोमल मध्य तीव्र होता है। अब जो आपका मध्य तीव्र है ये आपका शुद्ध मध्यम के साथ आपका इसमें लगता है बसंत में, ये आपका यहाँ से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इसका बादी संवादी की बात करते हैं तो सापा इसका बादी संवादी है, ओड़प संपूर्ण इसकी जाति है, सभी ध्यान रखना, ओड़प संपूर्ण इसकी जाति है। रात्रि का आपका अंतिम प्रहर, ठीक है, रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर इसका गायन समय रहने वाला है। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या निकलेगा आपका, बसंत। यहां से आपका शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग से होता है, इसलिए इसमें आपका जो तीव्र मध्यम का प्रयोग होने वाला है पूर्व थाट के अनुसार, वो आपका शुद्ध मध्यम में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आपका बसंत स्पेशल राग बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। संगीत रत्नाकर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है आपका, संगीत का आधार ग्रंथ है। अब यहां पर आपका आप चाहे दक्षिणी संगीत की बात करें या फिर आप उत्तरी संगीत की बात करें, दक्षिणी और उत्तरी दोनों का ही आपका आधार ग्रंथ है। क्लियर, तो आधार ग्रंथ आपका यहां पर रहने वाला है संगीत रत्नाकर। किसके द्वारा लिखा गया है, सारंगदेव जी के द्वारा। संगीत रत्नाकर में आपका 7 अध्याय है। क्लियर, अध्याय 7 है, इसलिए इसको आपका सप्ताध्यायी भी इसको बोला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, भरत जी का क्या है आपका, तो आपका नाट्य शास्त्र है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, लोचन जी का क्या है, अहोबल जी का आपका राग तरंगिणी। अहोबल जी का आपका संगीत पारिजात, ठीक है, संगीत पारिजात, राग तरंगिणी आपका लोचन जी का, ठीक है, राग तरंगिणी। तो यहां से तीनों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट, राग शुद्ध कल्याण और देशकार में क्या समानता है। देखिए शुद्ध कल्याण, राग शुद्ध कल्याण और राग देशकार दोनों में आपको समानता बताना है, गायन या वादन का समानता है, वादी संवादी का समानता है, आरोह का समानता है या फिर थाट का समानता है। देखिए आपका जो शुद्ध कल्याण और देशकार है इसमें आपका जो समानता है, थोड़ा सा अपन इसमें देखते हैं, पहले इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। शुद्ध कल्याण यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं आपका देशकार। अब देखिए कल्याण आपका पहले थाट देखते हैं, थाट, तो कल्याण का थाट क्या है आपका, कल्याण का नाम से पता लग रहा है आपका, कल्याण का ही थाट है, कल्याणी थाट है। अगर देशकार की बात करते हैं तो ये आपका बिलावल थाट से, ठीक है, बिलावल। अगर अपन बात करें आपका वादी संवादी की, वादी संवादी, तो इसमें वादी संवादी क्या रहने वाला है आपका, गधा, ठीक है, गधा वादी संवादी, इसमें आपका धागा वादी संवादी है। अगर बात करते हैं आपका जाति की, तो इसमें आपका ओड़प साड़प जाति है, ओड़प साड़प। अगर यहाँ पर बात करें आपका ओड़प ओड़प जाति, ठीक है, ओड़प ओड़प। अगर बात करें समय की, समय, तो रात्रि का यहाँ पर रहने वाला है, रात्रि का प्रथम प्रहर, आपको पता है कल्याण के जितने भी रहेंगे आपका रात्रि के प्रथम प्रहर में रहते हैं जनरली, ये आपका दिन का दूसरा प्रहर रहने वाला है, दिन का दूसरा प्रहर। तो अब ये आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपको समानता दिखाई दे रही है, क्या गायन समय की समानता दिखाई दे रही है, तो गायन समय की समानता बिल्कुल नहीं है। क्या वादी संवादी की समानता दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं है, गधा धागा है। क्या आपको थाट की समानता दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं, आरोह की समानता है, आरोह में आपका यहाँ पर 600 होता है, सॉरी आपका 500, और यहाँ पर आपका 500, तो आरोह की दोनों में समानता दिखाई देती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट, गलत जोड़े को पहचानेगा, देसी कापी, पुरिया मारवा, मालकोंस कमाज, भूपाली कल्याण, गलत इसमें से क्या रहने वाला है, सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। गलत जोड़ा आपका आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइएगा। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर आपका जो मालकोंस और देसी है ये गलत है, मालकोंस और आपका खमाज, मालकोंस आपका किस थाट का है, मालकोंस आपका भैरवी का है, किसका है आपका, भैरवी का। तो यहाँ से आपका
जो गलत निकल के आएगा वो आपका इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। मालकोंस भैरवी का है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी गायन शैली उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत आता है? अब देखिए, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, उपशास्त्रीय और शास्त्रीय गायन शैली। शास्त्रीय गायन शैली जो कि आपको पता ही है, जो ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, ये आपका क्या है, शास्त्रीय गायन शैली के अंतर्गत है। अगर उपशास्त्रीय की बात करते हैं तो देखिए, उपशास्त्रीय में आपका क्या आता है, दादरा। दादरा आपका उपशास्त्रीय है, बाकी अभी आपकी शास्त्रीय गायन शैली रहने वाली है। तो यहाँ से आपका शास्त्रीय उपशास्त्रीय से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, राग मारवा का बादी संवादि क्या है? धागा रेधा परे सामा। देखिए आपका जो मारवा है, थोड़ा सा मारवा के बारे में बात करते हैं। थाट क्या है आपका, तो थाट भी मारवा है। अगर मारवा थाट का है तो किस प्रकार का राग है, आश्रय राग। ये तो आपको पता ही है, जो आपके अपने ही थाट के नाम पर होते हैं वो आपके आश्रय राग कहलाते हैं, क्लियर। सभी साथी बताएंगे इसका। अगर बादी संवादि की बात करते हैं, बादी संवादि, तो मारवा का बादी संवादि क्या रहने वाला है आपका, रेधा रहेगा, ठीक है, कोमल रेधा। अगर बात करते हैं आपका जाति की, तो वहाँ पर आपका साड़व साड़व जाति है, ये आप ध्यान रखना। अगर बात करें आपका समय का, ठीक है, समय, तो आपका दिन का दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर इसका समय रहने वाला है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बादी संवादि, रेधा बादी संवादि है, क्लियर। कोमल रेधा, कोमल रेधा आपका राग मारवा का बादी संवादि रहने वाला है। अब आप यहाँ पर देख एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपका ईएमआरएस में थाटों से और रागों से, जो आपके राग हैं उनके थाट, उनका समय, उनका बादी संवादि, ये क्वेश्चन आपके ज्यादा बन रहे हैं। और सेंट्रल लेवल पर आपकी जो भी भर्ती परीक्षा होती है उनमें रागों से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और रागों से क्वेश्चन आपके अधिक पूछे जाते हैं, रागों के साथ साथ आपका तालों से। तो आपको सेंट्रल लेवल के लिए राग और ताल अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद अच्छे से करना पड़ेगा। तो आपको सेंट्रल लेवल के लिए राग और ताल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ट्रेवल क्लेफ का चिन्ह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका पाचा संगीत से संबंधित है और पाचा संगीत का हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है, अच्छे अच्छे लेवल के आजकल क्वेश्चन आपके बनते हैं। ट्रेवल क्लेफ, देखिए ट्रेवल क्लेफ और आपका दो प्रकार का होता है, ट्रेवल क्लेफ और आपका बास क्लेफ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ट्रेवल क्लेफ क्या है और बास क्लेफ क्या है, सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। देखिए अगर ट्रेवल क्लेफ की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, किस प्रकार से आपका ट्रेवल क्लेफ बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका, थोड़ा सा सही नहीं बना, थोड़ा सा सही बनाता हूं, ट्रेवल क्लेफ। देखिए ट्रेवल क्लेफ अगर अपन बात करते हैं, इस प्रकार से आपका ट्रेवल क्लेफ है, इस प्रकार से अगर बात की जाए, इस प्रकार से आपका यहाँ पर दो बिंदी, ये आपका बास क्लेफ है, बास क्लेफ। तो ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका ट्रेवल क्लेफ, बस इतना सा आप याद रखना, बास क्लेफ और ट्रेवल क्लेफ क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये आपका ये जो इस प्रकार का साइन है, ये आपका पाश्चात्य संगीत में स्वर का है, और स्वर आपको पता है तीन प्रकार का होता है, कोमल स्वर, आपका शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर के लिए आपका इस प्रकार का लगता है, इसे आपका फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध स्वर के लिए आपका इस प्रकार का बनता है, इसे आपका नेचुरल बोलते हैं, और तीव्र स्वर के लिए इस प्रकार का बनता है, हेस टाइप का, ठीक है, ये इस प्रकार का है, इसे आपका शार्प बोलते हैं। तो ये आपका स्वर रहता है तीन प्रकार का, तो ये आपका क्या है, शार्प आप इसे कह सकते हैं, तीव्र स्वर के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, खोल भारत के किस प्रांत में अधिक लोकप्रिय है, बताइएगा खोल। देखिए मैंने आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो खोल सभी प्यारे साथी बताएंगे, खोल आपका किस राज्य का रहने वाला है, किस प्रांत से आपका, तो आपको पता है खोल
बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का आपका यहाँ पर रहता है, जहां से ममता बनर्जी हैं वहां से आपका खोल है। क्लियर। अब देखिए जम्मू का, पंजाब का आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए डबल स्टार नहीं, इस पर 5 स्टार लगाइए, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो आपको पता है बी डी पलुस्कर जी, बी डी पलुस्कर, बस इसमें आपको इतना सा देखना है, बी डी पलुस्कर और डी बी पलुस्कर, ये दो नाम हैं, इन दोनों नामों में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ये अक्सर आपको कन्फ्यूज करने के लिए दो नाम दिए जाते हैं। तो बी डी पलुस्कर तो आपके आविष्कारक थे, और जो डी बी पलुस्कर है इनके पुत्र थे, क्या था, तो इनके पुत्र थे। ठीक है, तो ये डी बी पलुस्कर और बी डी पलुस्कर में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट राग बहार और मियां की मल्हार में कौन सी स्वर पंक्ति समान है, तो राग बहार और मियां मल्हार, पहले तो आप देखिएगा दोनों ही आपका ऋतु ऋतु प्रधान राग है, कैसे राग है आपका, ऋतु ऋतु प्रधान आपके राग है। ठीक है, ऋतु प्रधान दोनों ही राग है, सभी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, ऋतु प्रधान राग है। अब देखिए यहां से आपका दोनों में समानता क्या देखने के लिए मिलेगी, तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। क्या प्रधानता, क्या समानता है, निधा निशा। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाहर आपका मियां मल्हार, मियां मल्हार, देखिए अब आप बोलेंगे सर दोनों में समानता है तो परिवर्तन कैसे लगाते हैं, अंतर कैसे पहचान पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले आप इसका प्रॉपर्टीज देखिएगा, बाहर आपका क्या है, बाहर काफी थाट से है, आपका मियां मल्हार भी काफी थाट से है। ठीक है, वादी संवादी की बात करते हैं, तो बाहर आपका मासा है इसका वादी संवादी, और इसका आपका मियां मल्हार का सापा है, थोड़ा सा अंतर आप देखना, बाहर का आपका साढ़ साढ़ जाती है, साढ़ साढ़, और आपका इसका संपूर्ण साढ़ है। ठीक है, संपूर्ण साढ़। समय की बात करेंगे तो बाहर आपका मध्य रात्रि में गाया जाता है, मध्य रात्रि में, और ये आपका मध्य रात्रि में, ये भी आपका मध्य रात्रि में गाया जाता है, तो ये दोनों ही मध्य रात्रि में गाए जाते हैं, ऋतु प्रधान राग है। अब देखिए इसमें आपका जो समानता है नी ध निशा की, नी ध निशा बाहर में आपका लगता है नी ध निशा, और मियां मल्हार में भी आपका नी ध निशा लगता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, जो आपका निषाद होता है, क्या होता है, निषाद को इसमें बढ़ा करके गाया जाता है, नी ध नी, इस प्रकार से आप जानते हैं इसका मतलब क्या था, अवग्रह, अवग्रह का मतलब होता है बढ़ा करके गाना, तो आपका मियां मल्हार में नी ध नी सा इस प्रकार से गाएंगे, और जो आपका बाहर रहेगा इसमें बस आपका नी ध नी सा सिंपल आपका यूज किया जाता है, इसमें नी को बढ़ा के गाया जाता है मियां मल्हार में, बस इतना सा इसमें अंतर रहता है, स्वर सेम लगते हैं आपके। क्लियर। नेक्स्ट राग जय जयवंती है, सभी प्यारे साथी बताएंगे राग जय जयवंती का संप्राकृत राग क्या है, देश मारवा भैरव पूर्वी, तो देखिए जय जयवंती का संप्राकृत राग क्या है आपका मारवा, जय जयवंती किस प्रकार का है आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एक परमेल प्रवेशक राग है, परमेल प्रवेशक, तो परमेल प्रवेशक राग है, यहां से आप चीजों को थोड़ा समझेंगे, इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें दोनों दोनों निषाद का प्रयोग होता है और दोनों दोनों गंधार का प्रयोग होता है, तो दोनों नियो दोनों गंधार का जब प्रयोग होता है तो आपको पता है काफी थाट होता है, एक एक आपका खमाज होता है। ठीक है, खमा काफी में क्या होता है आपका ग नी कोमल लगता है, और जो खमाज होता है इसमें आपका नी कोमल लगता है, तो आपका जो जय जयवंती ऐसा है, देखिए इसमें आपका दोनों नी लगता है, यानी कि आपका कोमल नी और ग नी, तो कोमल ग कोमल नी लगता है, काफी से आपका यह खमाज में प्रवेश आपको करा देता है, इसलिए आपका इसको परमेल प्रवेश का राग कहते हैं। यहाँ पर आपका
एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करा देता है, इसलिए इसको परमेल प्रवेश अग्रांग बोला जाता है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा सा आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टीज, तो रेपा क्या है इसका, रेपा बादी समाधि है। ठीक है, रेपा बादी समाधि है, ये भी आप ध्यान रखना। संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति है, संपूर्ण 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 इसकी जाति है। और रात्रि का दूसरा प्रहर, इसका समय रात्रि का दूसरा प्रहर का अंतिम समय, अंतिम समय में गाया था। अंतिम समय में क्यों, क्योंकि अब दूसरे प्रहर के अंतिम समय में गाएंगे तो तीसरे प्रहर में आपका पहुंचा देता है, इसलिए इसको परमेल प्रवेशक राग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, राग छायानट किस समय गाया जाता है। राग छायानट, छायानट महत्वपूर्ण राग है आपका। रात्रि का प्रथम प्रहर में, रात्रि का चतुर्थ प्रहर में, दिन का अंतिम प्रहर में, या मध्य रात्रि में। तो आपको एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये हमारे इसका मेरा लाने का मतलब यही था कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी आपको परीक्षा मिलेंगी उसमें राग सबसे अधिक पूछे जाएंगे। तो देखिए छायानट का क्या रहने वाला है, सभी प्यारे साथी आंसर देना। छायानट का क्या रहने वाला है आपका, रात्रि का प्रथम प्रहर। अगर थोड़ा सा बात करें आपका छायानट के बारे में, तो सभी साथी यहाँ पर बताना छायानट। ठीक है, छायानट इसका थाट क्या है, तो थाट आपका रहने वाला है कल्याण। क्या है आपका, कल्याण थाट है। ठीक है, अगर आपका बादी संवादि की बात करें, बादी संवादि, तो बादी संवादि यहां पर रहने वाला है रेपा। क्लियर। जाति की बात करते हैं, जाति तो संपूर्ण संपूर्ण है। संपूर्ण संपूर्ण का मतलब समझते हैं आप, सातों के सातों सुर आपके आरोह अवरोह में प्रयोग किए जाते हैं। अगर बात करते हैं आपका रात्रि का समय, तो रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, ये तो आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, संप्राकृत राग, तो आपका क्या रहने वाला है, कामोद और हमीर। ठीक है, कामोद और हमीर आपका यहाँ पर संप्राकृत राग इसके रहने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पीएन भातखंडे कब पैदा हुए थे। अभी कुछ ही दिन पहले इनका डेट ऑफ बर्थ था, यानी कि जयंती थी। तो इनकी जयंती आपने संगीत की जितनी प्रेमी हैं सभी ने अच्छी से धूमधाम से मनाई होगी और सेलिब्रेट किया होगा। तो संगीत के सबसे महान कलाकारों में आपका भातखंडे जी रहने वाले हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था आपका, 10 अगस्त 1860 को। ठीक है, 10 अगस्त 1860 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहा जाता है। किसी राग के स्वरों की, ध्यान रखना, स्वरों की तालबद्ध रचना, लक्षण गीत, तराना, सरगम गीत या चैती गीत, स्वरों की तालबद्ध रचना। तो स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है आपका, सरगम गीत। ठीक है, सरगम गीत आपका कहलाता है स्वरों की तालबद्ध रचना किसी भी राग में। तो इसका राइट आंसर आपका निकलने वाला है यहां से ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहां पर जो ई एम आर एस का आपका पार्ट फर्स्ट था, वो होता है कंप्लीट। ठीक है, ई एम आर एस का हम पेपर लेके चल रहे हैं 2023 वाला। यहां से आपका 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट। इसी प्रकार से हम आपका ई एम आर एस का पूरा पेपर सोल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, चीज़ों को समझते हुए करेंगे। तो सभी साथी जुड़े रहिएगा और पर डे आपको इसी प्रकार से सेशन मिलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, जल्द आपको ये हमारे NVS KVS का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो आप हमारे साथ शिक्षा प्लांट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, बेहतरीन तरीके से हम आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ सारी की सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, देखिए मैं आपको, ये हमारा वेबसाइट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, टेस्टिंग फेज पर चल रहा है। हमारे साथ जुड़ करके आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जैसे ही अगर आप BPSC तैयारी 4.0 की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खुलने में दिक्कत हो रहा है। जैसे ही आप किसी भी कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है,
कंप्लीट आपको टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलता है, नोट्स मिलता है, हर चीज़ के साथ आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमारे साथ। जो साथी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा प्लान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।